उधर को जा ना पिछड़ी कैमरा परवीन होना था तो यही कि रोड पर खड़े हुए ड्यूटी देना, रोंग साइड से आदेश होना कि रोंग साइड जाने के लिए रोकना, इनके चालान करना, उसी के द्वारा गाड़ी वालों का आना, उसी में अभद्रता करना, गाड़ी ना रोकना। तो कौन था गाड़ी जब आपने रोकी? गाड़ी पर महिला थी, पुरुष तो कौन था? उनका हस्बैंड था संजय कुमार, उनकी पत्नी का नाम था निधन जी। कोई बात नहीं, नाम क्या है उस काय में है? वो भी विभाग में किसी? वो भी एसएफ में। अच्छा, तो अच्छा फिर तो क्या हुआ? इन्होंने कपड़े उपले आपके घर में क्यों? आपकी वर्दी भी बड़ी ली है? हाँ, वर्दी में गले में पड़ने का वो करना, आपके साथ मारपीट करी है? मारपीट तो नहीं की, घेरे मन पकड़ लिया, वर्दी को पकड़ लिया, इनसे वर्दी भी फाड़ दी। तो क्या मानते हैं आपके इस तरह एक महिला का ऑन ड्यूटी सिपाही से बदतमीजी करना? आप सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय इस ड्यूटी को दे चुके हैं अपना, क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना होना? भाई, लोक सेवकी के विरुद्ध कार्य करना तो एक अभद्रता ही है। तो आपने तहरीर दे दी? तहरीर लिखी है मैंने। तो आप क्या चाहते हैं? देखो, तो कानून कार्रवाई है होनी चाहिए। एक हेड कांस्टेबल जो कि कपूर कंपनी तिराहे पे ड्यूटी पर थे और रॉन्ग साइड से जा रहे एक दंपति को रोका गया, तो महिला ने ट्रैफिक कर्मी के साथ अभद्रता की, उनकी वर्दी फाड़ दी और सरकारी कार्य में बाधा। इस पे उसने जो यातायात प्रभारी निरीक्षक को सूचना दी, उसके बाद वहाँ फोर्स गया मौके पर, उनको थाने लाया गया, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो महिला है कोई सरकारी कर्मचारी है? हाँ, ऐसा बताया गया है उनके द्वारा कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में दोनों लोग तैनात हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आचरण किया गया है वो अशोभनीय आचरण है।